अरे ताज को खाटू जैसा बताते ना समझो कि भूल है। मैं एक बार भी नहीं कहूंगा पूरे भजन में ताली बजाओ, आप रोक सको तालियों को तो रोक के देखने कोशिश कर लेना। ताज को खाटू जैसा बताते ना समझो कि भूल है। मैं नहीं कह रहा आपको ताली बजाने को, लेकिन सुनो, लाल किला और ताज महल इसके चरणों की धूल है। लाल किला और ताज महल इसके चरणों की धूल है। इस समय तो ताज महल भी आराम से सुन रहा है, बोले मेरे बारे में बोल रहा है, उस तक भी आवाज जा रही है। सुनो, ताज महल के नीचे लाशे एक राजा एक रानी है। ताज महल के नीचे लाशे एक राजा एक रानी है। अरे पागल जाकर देख, श्याम कुंड के नीचे देखो अमृत जैसा पानी है। श्याम कुंड के नीचे देखो अमृत जैसा पानी है। फिर भी ताज को कहे अजूबा, फिर भी ताज को कहे अजूबा, बातें सब फिजूल है। लाल किला और ताज महल इसके चरणों की धूल है। अच्छा चलो अगली उदाहरण सुनो। किस किसी ने ताजमहल देखा? ओहो, इनसे थोड़ी पूछना होता, रहन दो। यहाँ पूछ रहा हूँ ताजमहल किसने देखा है? नहीं नहीं, देखो नहीं देखा, पापा फिर तो हम आपसे बड़े पागल है, हम ही देखा है, आप तो देखे नहीं। दूर के ढोल सुहाने जी, हमें तो लगे ताजमहल देखेंगे है? लेकिन सुनो, किसी ने कहा बोले विशाल भाई शाम को देखो ताजमहल क्या जचता है। मैंने कहा ऐसा क्या? बोले जाकर देखो शाम को ताजमहल की खूबसूरती। और मैंने कहा सुन सुन, सुना है रात की चांदनी में ताज वो बड़ा चमकता है। अरे मूर्ख, उसे चमकाने चांद भी तो खाटू से ही निकलता है। उसे चमकाने चांद भी तो खाटू से ही निकलता है। यहाँ से मिलती सबको रोशनी, कांटे हो या फूल है। लाल किला और ताज महल इसके चरणों। आखिरी लाइन सुनिए, दिल खुश हो जाएगा। मैंने कहा यार अच्छा अच्छा, जैसे चलो बहुत जनों ने देखा भी, बहुत जनों ने नहीं देखा, मैंने भी देखा, लेकिन सच बताऊं, शैली गया था ताज देखने खाली हाथ ही आया। शैली गया था ताज देखने खाली हाथ ही आया। मगर सोनू भाई, पर जिस दिन से खाटू देखा, पर जिस दिन से खाटू देखा, मैंने सर पे ताज सजाया था। पर जिस दिन से खाटू देखा, मैंने सर पे ताज सजाया था। अरे ताज के पत्थर को क्या करना। लोग कहते हैं विशाल भाई कितना पत्थर लगा ताजमहल पे, कितना? मैंने कहा इतना कितना पत्थर लगा है? बोले नहीं नहीं बहुत। और मैंने कहा सुन, तो ताजमहल देख के खुश हो ही जा रहा है उसका पत्थर है? तूने श्याम बाबा के बच्चों के घर नहीं देखे? कभी फुर्सत हो तो चक्कर मारियो बाबा के बच्चों के घरों में। ये जितना पत्थर ताजमहल पे लगा ना, उससे महंगा महंगा पत्थर बाबा ने बच्चों के घरों में फर्शों पे लगवा रखा है। इतनी कृपा है। ताज के पत्थर को क्या करना, खाटू की रेत कबूल है। लाल किला और ताज महल इसके चरणों। अच्छा लगा जी भजन आपको? अरे वाह जी वाह, धन्यवाद भैया। एफ लेना खाली। सुनो भाई, मैं देखो तो ऐसा था, मैं 5 मिनट नचा लूं जाते जाते, लेकिन ये सब सीढ़ियां भजन शीशे भजन के पीछे पड़े हुए हैं कि वो वाला सुना तो जो आपकी इच्छा, शाम भगत जग में बड़े उनको करूं, तो आपकी इच्छा पहले है जी। अगर आप चाहते हैं शाम बाबा के दरबार में शीशा लगा था, आप सबने देखा है जी, देखा है, और उस शीशे के ऊपर ही बाबा श्याम ने एक भजन लिखवाया था। मैं बाबा और भैया सब ये साक्षी हैं, खाटू में वो भजन गाया था।
रात को करीब 10-11 बजे हमने वो भजन गाया कि बाबा ये शीशा तुड़वा दे, इसे ऐसा लग रहा है कि बाप से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये शीशा जब से बीच में आया ये दीवार बन के खड़ा हो गया है, अब वो बात नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा है। और हमने 10 बजे ये कौन सी धर्मशाला है अपनी, वो हैदराबाद वाली ना, हाँ हैदराबाद वाली धर्मशाला में रात को 10:30 बजे हमने भजन गाया, ये भक्त जन 12-1 बजे दर्शन करने गए, शीशा खत्म, बोले चलो बाबा गए छुट्टी। और चलो तब तो दो तीन बार तो तोड़ा गया, मान लो इंटेंशनली लगा लो, नॉन इंटेंशनली लगा लो, किसी से बच के टूटा, कभी कुछ टूटा, लेकिन बाबा का ये संकेत वहां के पुजारी जी को भी समझ आ गया, बोले अब कोई फायदा नहीं है, शीशा जितना भी लगवा दो बाबा ही नहीं चाहता कि शीशा वहां पे होना चाहिए। आइए वो भजन में आपको सुना रहा हूँ, उस भजन में हमने क्या लिखा था जी, तेरा सीढ़ियां चूम न पाए क्यों शीशा बीच में आया है, तेरा सीढ़ियां चूम न पाए क्यों शीशा बीच में आया है, शीशे ने शीशा दिखलाया, शीशे ने शीशा दिखलाया। वो हमें दिखाने के लिए लगा था कि बोले देखो कुछ ना कुछ आपसे गलती हो रही है, कुछ ना कुछ कमी हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, शीशे ने शीशा दिखलाया, अब मेरी समझ में आया तेरा सीढ़ियां। आज ये भजन आप इसी उम्मीद में गाइएगा कि बाबा अब शीशा हट गया है और वो परमानेंट हटा ले, इसलिए ये भजन गा रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके, तेरा सीढ़िया चूम न पाए, तेरा सीढ़िया चूम न पाए क्यों शीशा बीच में आया है, तेरा सीढ़िया चूम न पाए क्यों शीशा बीच में आया है, शीशे ने शीशा दिखलाया, शीशे ने शीशा दिखलाया। मुझे ऑडियो का तो पता नहीं, वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, ऑडियो तो कम समझ आ रहा है लेकिन वीडियो अच्छा है, आओ जरा। शीश ने शीशा दिख, ओ शीश ने शीशा दिखलाया, अब मेरी समझ में आया है, तेरा सीढ़िया चूम न पाए क्यों शीशा बीच में आया है, तेरा सीढ़िया चूम न पाए क्यों शीशा बीच में आया है। बाबा से बोले बाबा ये शीशा नहीं चाहिए, लौटा तो हमें दिन वो पुराने, लौटा तो हमें दिन वो पुराने, जब जब खाटू आते थे पहले, जब भी खाटू बात का पूरा नहीं मानना, बाबा की जब से वो दर्शन सुविधा चेंज हुई है ना, पहले वो जिगजैग जाते थे, अब सीधा दर्शन होता है, बस घुसो फटाफट से 10 मिनट में दर्शन, बुरा मत मानना, लेकिन सच बताऊं पहले जब दर्शन होता था ना, जो सीढ़ियां चढ़ के, हाँ एक लाइन अभी भी बची है सीढ़ियों वाली, लेकिन पहले जब सीढ़ियां चढ़ के दर्शन होता था, हमारे जैसा बंदा 1-1.5-2 मिनट तो वहीं लगा देता था, कैसे थोड़ा सा आगे गए फिर पीछे वाले को आगे कर दिए फिर पीछे हो गए, बाबा का दर्शन चल रहा है, थोड़ा सा आगे गए फिर पीछे वाले को आगे कर दिया उसके पीछे हो गए, लेकिन अब क्या होता है, अब तो जो टेढ़ा टेढ़ा होके दर्शन करके निकल जाते हैं भैया, इसलिए बाबा लौटा तो हम दिन वो पुराने, जब जब खाटू आते थे पहले, जब खाटू आते थे पहले, जब
तेरी डाल के आंखें दिल का हाल सुनाते थे, दिल का हाल सुनाते थे बाबा, दिल का हाल सुनाते थे। क्यों हो गई तेरी बंद कचहरी, क्यों हो गई तेरी बंद कचहरी, कुछ भी समझ ना आया रे तेरा सीढ़ियां चूम न पाए, क्यों शीशा बीच में आया है तेरा सीढ़ियां चूम न पाए, क्यों शीशा बीच में आया। ए भैया ये दोबारा करना चाहिए, तालियां बजा। दर्शन की सुविधा तो हो गई है, दर्शन की सुविधा तो हो गई है, तन का सुख तो मिल गया लेकिन मन का सुख कम हो गया। एक मिनट में दर्शन तो हो जाते हैं लेकिन अब मन वैसे तृप्त नहीं होता कि आराम से बैठकर बाबा का दर्शन कर सके। हे बाबा लाइन बेशक तोरण द्वार से लगवा दे लेकिन जब तेरा दर्शन हो कम से कम आधा मिनट एक मिनट हमें खड़े रहने दिया कर। बोल थोड़ा सा तो खड़े रहने दिया कर। सुनो क्या कहा बाबा से, बेशक तन को दे दे सजा कोई, बेशक तन को दे दे सजा कोई, मन को ना कल पाओ जी, मेरे मन को ना कल पाओ जी, मेरे मन को ना कल पाओ जी। सबसे सुंदर बात, पहले तो बाबा 20 साल पहले जब भीड़ कम होती थी हम लोग चौखट भी बैठे रहते थे, 10-10 मिनट आधा आधा घंटा बैठे रहते थे, अगर पुराने वाले भक्त उनको याद होगा। लेकिन अब फटाफट निकल जाते, ए बोले बाबा पहले तो घंटा घंटा बिठाए रखा था, अब लोग ज्यादा हो गए तो फटाफट निकाल ले। तो देखो बच्चा क्या कह रहा है, मेरे दिल का भाव है, गोदी की हमें डाल के आदत, गोदी की डाल के आदत, अपना दूरी बनाओ जी, अपना दूरी बनाओ जी बाबा, अपना दूरी बनाओ जी। मन की बात कैसे करेंगे, मन की बात कैसे करेंगे, सोच के मन भर आया तेरा सीढ़ियां छूम न पाए, क्यों शीशा बीच में आया है तेरा सीढ़ियां छूम न पाए, क्यों शीशा बीच में आया। भजन की आखिरी लाइन सुनी आपके दिल को छू जाएगी। बोले बाबा जो ये एक मिनट में बाहर निकाल देते हैं ना फटाफट से, आप जब खाटू जाते हो सच्ची बताना पूरा परिवार तो नहीं जाता होगा, दो जने एक जना तीन जने बाकी जने तो घर रहते होंगे, तो जब आप खाटू से दर्शन करके घर आते हो सबसे पहले आपके घर वालों का सवाल क्या होता है, सच बताओ कि दर्शन कैसे हुए, होता है कि नहीं? हमसे भी यही सेम सवाल होता है। तो आप जो दर्शन करके आते हो ना आप उसका वर्णन करते हो कि ऐसा ऐसा दर्शन हुआ, तो उसी आपके वर्णन से आपके घर वाले दर्शन करते हैं। बोले बाबा लेकिन जब ये शीशा लगाना तो एक बड़ी दिक्कत हुई। बोले कौन सी, सुनो, कौन सा पागा कौन सी माला, शीशा लगा था फटाफट निकाल रहे थे, कौन सा पागा कौन सी पूछेंगे जब घर वाले, मेरे पूछेंगे जब घर वाले, मेरे पूछेंगे जब घर वाले, क्या कहूँ मैं कौन सा मुकुट रे, कौन से थे कुंडल डाले, तूने कौन से थे कुंडली डाले, तूने कौन से थे कुंडली डाले। कई बार ऐसा होगा शैली नजरे झुका के खड़ा था, शैली नजरे झुका के खड़ा था, वैसे तो इसके दरबार से कोई हार के नहीं जाता
लेकिन बाबा वो जो शीशा लगाना, जब तेरा दर्शन नहीं हो पा रहा था अच्छे से, पहली बार घर जाकर ऐसा महसूस हुआ जब उन्होंने पूछा घर वालों ने दर्शन कैसे हुए, कुछ नहीं बता पा रहे थे। शैली नजरें झुका के खड़ा था, शैली नजरें झुका के खड़ा था, जैसे इस बार हार के आया। भैया हार जरूरी नहीं कि सिर्फ दुनिया में हो, सारा कुछ कमाने के बाद, सब कुछ कमाने के बाद अगर अपना ही शीशा लगाकर रूठ जाए तो भैया सबसे बड़ी हार तो हमारी वहां हो जाएगी। इसलिए बाबा ने वो शीशा हटवाया और हमें फिर अपने बच्चों का रुतबा वापिस दिया। बोल खाटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की, बोल हारे के सहारे की।